नमस्कार। हफ्ते में 3 दिन दुकानें खोलने को लेकर रियासी में दुकानदारों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर एमसी रियासी के चेयरमैन सुदेश कुमार पुरी जी ने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत उनकी अधिकारियों से हुई है और क्या सुझाव इन्होंने उनको दिए हैं और उस पर अधिकारियों ने क्या कहा है, आइए सुदेश कुमार पुरी जी से ही जानते हैं। सर, क्या रुझान देखने को मिल रहा है, क्या लोगों का कहना है? 3 दिन हफ्ते में दुकानें खोली जा सकती हैं, कल दुकानें बंद रहेंगी, लोग क्या क्या आपको कह रहे हैं, क्या लोगों की मांग है कि दुकानें 3 दिन ही खुलनी चाहिए या फिर 50-50% खुलनी चाहिए, या क्या लोग चाहते हैं और क्या बात आपकी अधिकारियों से हुई है और क्या कुछ उन्होंने कहा? अंजलि जी नमस्कार। मैं जैसे आपको कल भी आपने इंटरव्यू किया था उसके हिसाब से जो फैसला हमने अधिकारियों के पास पक्ष में रखा था, हम अपनी बात रखी थी, उसमें यही रखा था कि आपने 1 दिन खोलनी है और 1 दिन बंद करनी है। और उसमें फ्रूट वाले और हलवाई और ढाबे वाले, इनके बारे में उन्होंने ना हमसे कोई बात की और ना हमने उसको उनको कोई बताया। लेकिन जैसे सुनने में आया, लोग भी थोड़े से परेशान हुए, दुकानदार भी परेशान हुए, और मैंने सोचा कि आज शाम को फिर इनसे बात करेंगे, क्योंकि आज छुट्टी थी, हम वहाँ पर जा नहीं सके। और मेरी आधा घंटा एक घंटा पहले ही एसीआर साहब से बात हुई है, मैंने कहा कि आपने ऐसा कर दिया कि 3 दिन हफ्ते के खुलेंगे और 4 या 5 दिन बंद रहेंगे, वो तो हो गया, ऐसा हो गया कि आपको महीने में 12 दिन मिलेंगे सारे, उसके हिसाब से 50-50 तो हुआ नहीं। ये तो मैंने उनसे बात की है, मैंने उनको यही कहा कि आपको हमने कहा था कि आपने 1 दिन खुलना है और 1 दिन बंद करना है। तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि आप संडे को अपनी मर्जी है, आप खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, आप ऐसे कीजिए कल दोबारा इसको ऑर्डर निकालिए कि आपको 1 दिन खोलनी है और 1 दिन बंद करनी है, उसमें चाहे संडे आए, चाहे मंडे आए, चाहे कुछ भी आए। तो उन्होंने कहा कि कल हम नया ऑर्डर निकालेंगे। हम तो चाहते हैं कि दुकानें रोज खुलें, दुकानदार भी यही चाहता है कि दुकानें रोज खुलें, लेकिन ऊपर से जो ऑर्डर है, जो गाइडलाइन है, उसी हिसाब से ये एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने सब्जी वालों की बात रखी है, हलवाई वाले होटल वालों की बात रखी है कि इनको जो है आपको 12 घंटे खोलने दीजिए सुबह से लेकर शाम तक। तो जैसे मेरे को जम्मू से गाइड मिली है, रिपोर्ट मिली है कि जम्मू में जो हलवाई हैं, जो ढाबे वाले हैं या जो सब्जी फ्रूट वाले हैं, इनकी जो है दुकानें खुल रही हैं। तो मैंने उसी हिसाब से आज फिर बात की है और मेरे को लगता है कि कल जो है वो नया ऑर्डर निकलेगा, उसके हिसाब से आपको जैसे आज खुली है कल बंद रहेगी, उसकी उसके हिसाब से परसों जो है फिर खुलेगी, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि 1 दिन आपको दुकान खोलनी है और 1 दिन आपको बंद करनी है, चाहे उसमें एतवार आए या कुछ भी बार आए। यानी कि इन्होंने जो 3 दिन की बात की गई है 7 दिन में, आप ये कह रहे हैं कि 8 दिन में 4 दिन खुलेगी, 4 दिन बंद रहेगी। देखिए, जब 50-50 की बात हुई है तो उसका मतलब यही होता है कि आपको अगर महीने के 30 दिन होते हैं, 15 दिन आपने दुकानें खोलनी है, 15 दिन बंद करनी है। ये तो हो गया हमारा कि 12 दिन आपको खोलनी है और 18 दिन बंद करनी है, ये कहाँ का 50-50 हुआ? लेकिन मैंने उनसे बात की है, मैंने उनको यही कहा कि आप कल नया ऑर्डर निकालिए और उस ऑर्डर में साफ लिखिए कि आपको 1 दिन दुकान खोलनी है, 1 दिन बंद करनी है। और उसके बाद जो भी हलवाई वाले हैं, ढाबे वाले हैं या फ्रूट सब्जी वाले हैं, उनको पूरे दिन की जो है वो इजाज़त दी जाए, वो पूरा दिन अपनी दुकान खोलें। और मैं समझता हूँ कि कल एक मैं खुद भी मिलूँगा जाके, क्योंकि आज तो छुट्टी थी, और मैं समझता हूँ कि कल 2-4 आदमी फिर वहाँ पे जाएंगे और नया ऑर्डर जो है वो निकालने वाले हैं। जब एसीआर रियासी से आपने बात की तो उन्होंने क्या आश्वस्त किया है कि इस तरह का ऑर्डर वो निकाल सकते हैं या फिर अभी डीसी रियासी से बातचीत करेंगे उसके बाद कुछ फैसला लिया? देखिए, उन्होंने यही कहा कि आप मेरे को कि हम नया ऑर्डर निकालेंगे, ये बात नहीं हुई है कि हम डीसी साहब से बात करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि वो बातचीत करके वो नया ऑर्डर जो है कल निकालेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है वो ऑर्डर अगर नहीं निकालेंगे तो मैं खुद उनके पास जाऊंगा और उनको यही कहूंगा कि आपको फैसला ये हुआ है कि 1 दिन खोलनी है, 1 दिन बंद करनी है, और सब्जी वाले, फ्रूट वाले और ढाबे वाले जो है वो पूरा दिन खोल लेंगे। सब्जी वाले और फ्रूट वालों ने अपनी चिंताएं जताई हैं, उन्होंने कहा है कि जो कल अगर दुकानें बंद रहेंगी, अगर उनकी रेड़ी फड़ियां भी बंद रहेंगी तो उन्हें खासा नुकसान कहीं ना कहीं हो जाएगा, जो सब्जी आज उन्होंने लाई है तो नुकसान उन्हें होगा। देखिए, मैंने अपनी बात रखी है और मैं समझता हूँ कि सब्जी फ्रूट वालों को भी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए,
मैं 10 बजे जब दफ्तर खोलेगा मैं उसी वक्त जाऊंगा और मैं समझता हूं कि वो नया आर्डर निकालेंगे तो उसके बाद वो खोलेंगे। तो मैं उनसे यही अपील करूंगा कि 2-4 घंटे की बात है, आप थोड़ा सा धीरे रखिए, और सब्जी फ्रूट और ढाबे वाले जो है वो रोज मैं कोशिश करूंगा इनको रोज टाइम दिया जाए खोलने का। तो अब कल क्या सब्जी वाले जो फल वाले हैं वो आके रूटीन से आ जाएं सुबह और अपनी रेहड़ियां फड़ियां खोल दें या फिर अभी सुबह इंतजार कर ले? देखिए ये तो गवर्नमेंट का मसला है, मैं इनको कहूंगा खोल दो, तो कल को अगर कोई पुलिस वाला या कोई आदमी गवर्नमेंट का आदमी आके तंग करेगा तो वो मेरे ऊपर आएगी, प्रेसिडेंट का कहा है खोलिए, लेकिन 2-4 घंटे की बात है। ऐसे भी आपको पता है कि 10 बजे या 11 बजे सब्जी की जो दुकानें हैं वो चलती है सारा सिस्टम। मैं 10 बजे जाऊंगा उनसे मिलूंगा और मैं समझता हूं कि मैं इनका ऑर्डर जो है वो करा के लाऊंगा वहां से। तो नाइट कर्फ्यू की भी शुरुआत आज दूसरा दिन आज रात को हो जाएगा, तो क्या अहम फैसला इसे समझते हैं, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है जो नाइट कर्फ्यू है? देखिए रियासी एक इतना बड़ा शहर तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है 9-10 बजे के बाद यहाँ पे लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं, कोई सैर सपाटे तो यहाँ पे करता नहीं है कोई भी। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई फैसला लिया तो उसको देखकर ही लिया होगा, मैं इसके बीच में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमें रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैं समझता हूँ कि रियासी शहर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसमें। एक सवाल काफ़ी सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं भी सभी को वो पूछ रहा हूँ, नेताओं के खिलाफ काफ़ी लोग दिख रहे हैं कि नेता रैलीज करते हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम करते हैं, और जहाँ पे चुनाव इस समय चल रहे हैं, आप एक देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा जिसके आप नेता भी हैं वो भी वहाँ पे प्रचार कर रही है और प्रधानमंत्री भी वहाँ पे प्रचार करने जाते हैं और हजारों लाखों लोगों की भीड़ भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, तो वहाँ पर कुछ दूसरे नियम अपनाए जाते हैं और लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जाता है, तो आप क्या इस मुद्दे पर कहेंगे, क्या आप मानते हैं कि रैली बंद हो जानी चाहिए कोविड को देखते हुए? देखिए आज 4-5 दिन पहले जो प्रधानमंत्री का फैसला आया है कि हर जो भी रैली होगी 500 के करीब ज़्यादा वहाँ पर रैली में बंदे नहीं होंगे, तो उन्होंने कुछ सोच का ही फैसला लिया होगा, क्योंकि वो हमारे शादियों के लिए अभी यहाँ पे 100 की गैदरिंग रखी गई है, बाहर अंदर करेंगे तो वो भी कम होगी, लेकिन वहाँ पे 500 की भी अगर रैली होगी तो कोविड का खतरा तो रहेगा ना? नहीं देखिए रैली चाहे 100 की हो चाहे 500 की हो चाहे 10 आदमी जहाँ पे खड़े होंगे खतरा तो है वहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम भी जहाँ पे 10 आदमी खड़े हैं वो भी एक हमारे लिए खतरे की घंटी है। मैं समझता हूँ कि जो भी फैसला गवर्नमेंट करे इसमें, क्योंकि अगर मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहते हैं कि रैलीस पहले ही बंद हो जानी चाहिए थी पॉलिटिकल रैलीस, क्योंकि जनता लगातार सवाल उठा रही है कि जो नेता हैं वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं और वोट पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि रैलियाँ जो हो रही हैं जहाँ 1-1 लाख आदमी 2-2 लाख आदमी आ रहा है वो भी गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं अपनी राय रख रहा हूँ इसमें, क्योंकि कोरोना जो है वो 10 आदमी के लिए खतरनाक है और 100 आदमी के लिए खतरनाक है, लेकिन उसकी पूरी गाइडलाइन पे ऊपर चलना, मास्क डालना, सैनिटाइज करना, सारा सिस्टम अगर रैली में हो, अगर 2-4-500 आदमी दूर दूर करके बैठे तो उसको कोई हर्ज नहीं है, वो बैठ सकते हैं। अगर जैसे शादियों में आप देखते हैं कि जगदम 500 आदमी या 1000 आदमी का रश पड़ जाता है, अगर 100 आदमी का उन्होंने रखा है तो अच्छी बात है, वो ऐसा होना चाहिए, उसे एक जो कराने वाला है, जो शादी कराने वाला है या जो करने वाला है उसको भी बेनिफिट होगा, थोड़ा सा खर्चा उसका नुकसान किसको है, वो हम जैसे लोगों को नुकसान है जिनके बड़े बड़े जहाँ पे कमेटी हाल बने हैं। मैं समझता हूँ कि कल मैं एक जगह बैठा था वहाँ पे 3 शादियाँ वो है कैंसिल हुई हैं, इसका मतलब उसको 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, नुकसान उसको भी हो रहा है। और ये कोरोना जो बीमारी है मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने आजकल TV देखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि इतनी लाशें देख रहे हैं, इतने शमशान घाट में जगह नहीं है। रियासी में अभी बहुत फ़र्क है, मैं समझता हूँ जम्मू में और रियासी में बहुत फ़र्क है, लेकिन बाहर देखिए कितना ये भयानक रूप धारण कर लिया बीमारी ने। मैं समझता हूँ कि आज मैं एक डॉक्टर थी उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो रो रही थी डॉक्टरानी, वो रो रही थी कि हम हॉस्पिटल में जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि वहाँ पे ना बेड है ना वहाँ पे ऑक्सीजन है, जो भी आता है वो जहाँ पे अपनी जान छोड़ के जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी भयानक जो बीमारी है जो ये शुरू हो गई है, आने वाले वक्त में क्या रूप लेगी, मैं आपके माध्यम से फिर एक बार कहूँगा कि अपनी 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 जान की परवाह आप खुद करें, क्योंकि अगर जान है तो जहान है,
अगर हम मास्क नहीं डालेंगे उसका क्या, मास्क डालना है ना, हाथ को साफ सुथरा रखना है, दुकान पर राशन नहीं डालना है, उससे अगर हमारी जिंद जान बच सकती है उससे ज़्यादा क्या है। पैसे तो आते जाते रहेंगे, ज़्यादा हमारा हमें फिक्र है अपनी जान का, उसको आपने संभाल के रखना है। और आप लोग सभी नियम का पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर ये सख्ती करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 150 रुपये से जुर्माना करने से कोई जो है वो नहीं करेगा, जब तक आप सख्ती नहीं करोगे। मैं आपके माध्यम से पुलिस वालों को यही कहूँगा कि आपको 2 घंटे आते हैं या 1 घंटा आते हैं, आप जुर्माना 100 रुपये या 50 रुपये करके चले जाते हैं। पूरा दिन शहर में देखो कितना रश पड़ रहा है, और एक दफ़ा थोड़ा सा दे दो, थोड़ा 500-500 रुपये जुर्माना कर दो, लोग समझेंगे, खुद समझेंगे, लेकिन लोग तभी समझेंगे जब आप सख्ती करोगे। प्यार से लोग समझने वाले नहीं है। बड़े नेताओं को भी और बड़े अधिकारियों को भी जुर्माना होना चाहिए जो मास्क के बिना। बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता। मैं कहता हूँ बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि 22 प्रेसिडेंट मुस्लिम कमेटी का कटरे का, उसको अगर 500 रुपये जुर्माना हो सकता है वो 500 रुपये जुर्माना देता भी है, लेकिन अगर हम जैसे लोगों को अगर 500-1000 रुपये जुर्माना हो तो करना चाहिए, कोई उसमें वो फर्क नहीं रखना चाहिए। जो गरीब है, जहाँ कोई लीडर है उसको छोड़ दो आप, मैं कहता हूँ जो लीडर है उसको ज़्यादा जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि आप जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे हो। आप एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी हो, इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि आप गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है वो उसको दर वो करें उसको। मैं समझता हूँ कि ये जो बीमारी है ये सबके लिए है, ये गरीब के लिए भी है, बड़े से बड़े के लिए। आपने जैसे आपने पिछले दिनों देखो हमारे लीडर कितने कोरोना हो गए हैं, आज कल के परसों के राहुल गांधी जी भी कोरोना में हो गए हैं। ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है, जो सबके गरीब के लिए भी है और अमीर के लिए है। मैं इसलिए आपके माध्यम से यही अपील करूँगा कि जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से है उसको पालन करें, अगर उसके ऊपर सख्ती होती है तो वो उसकी जिम्मेवारी जो है पब्लिक होगी। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो कोरोना जो है वो कई राज्यों में भयानक रूप ले चुका है और स्थिति आगे क्या होगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कितनी भयानक स्थिति हो सकती है। इसके साथ ही COVID-19 की जो SOPs है उसका पालन करने के लिए चेयरमैन MC रियासी सुदेश कुमार पुरी जी ने कहा है, इन्होंने कहा है कि बात हुई है इनकी SER रियासी से, उनसे इन्होंने फल सब्जी विक्रेताओं की बात भी रखी है कि उनकी जो रेहड़ियाँ फड़ियाँ हैं वो हर दिन खुली रखी जाए। इसके साथ ही दुकानों को लेकर इन्होंने बात की है कि हर एक दिन छोड़कर एक दिन दुकानें खुली जाएं। हफ्ते के 3 दिन जो बात थी अब 8 दिन में 4 दिन, यानी कि महीने में 15 दिन जो दुकानें हैं वो खोली जाएं, ऐसा एक नया आर्डर निकाला जाए ऐसा कहना था। इन्हें आश्वासन भी मिला है कि एक नया आर्डर आएगा जिसमें ये तमाम चीज़ें लिखी जाएंगी। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।